सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। एक बार और आप सभी को हैप्पी दिवाली। रोशनी का त्योहार दिवाली आ चुकी है और बाजारों में जो रौनक लगी है वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं यहाँ पर नोएडा में अड्डा में मौजूद हूँ। मार्केट की रौनक आपको दिखाऊंगी और उससे साथ ही साथ लोगों से बातचीत भी करेंगे कि इस बार दिवाली किस तरह से मना रहे हैं। तो चलिए, बाजारों में रौनक देख रहे हैं आप, किस तरह से बाजारों में रौनक लगी हुई है। हर कोई सामान खरीदने के लिए उतावला हो रहा है कि मार्केट में आखिर नया क्या आया है। तो वहीं आप देखिए कि भीड़ में महिलाएं भी नजर आ रही हैं, पुरुष भी नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ बच्चे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बच्चे पटाखे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें बाजारों में पटाखे नहीं दिखाई दिए हैं। तो रौनक आपने देखी बाजारों में, अब लोगों से जान लेते हैं कि इस बार कैसे दिवाली मना रहे। तो मैम, किस तरह से दिवाली मना रहे इस बार? हाँ, दिवाली जैसे कुछ टाइम से हम नहीं मना पाए बीच में कोरोना की वजह से, बट अभी अच्छे से मना रहे हैं। सबके लिए शॉपिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से सारी पूजा का सामान भी ले रहे हैं। घर में मिठाइयों की तैयारी, मतलब मिठाइयाँ वगैरह बन रही हैं। इसी तरह से हम अपना पूरा घर को डेकोरेट कर रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। लोग बहुत बिजी है, तो ऐसे ही इसके। तो आप यहाँ पर रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं या परिवार के पास जाएंगे दिवाली मनाने? अभी तो हम परिवार के साथ ही यहाँ रहते हैं और हम यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। कहीं बाहर अभी हमारा, हम यहीं के रहने वाले हैं तो हम यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी बाज़ारों में क्या अच्छा आइटम लग रहा है इस बार दिवाली पर? कुछ मतलब नई चीज़ें आई हैं बाज़ार में, जैसा कि आप भी देखा होगा काफ़ी चीज़ें। तो काफ़ी चीज़ें हैं डेकोरेशन के लिए, हैं न्यू कपड़े हैं, मतलब ऐसे ही काफ़ी। तो पटाखे जलाने वाले, क्योंकि जुर्माना लग गया पटाखे पे, तो पटाखे जलाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, हम पहले भी नहीं करते थे पटाखे वगैरह, तो अभी भी नहीं, बस ऐसे फुलझड़ी वगैरह थोड़ा चला लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, मार्केट में हर एक चीज़ उपलब्ध है यहाँ पर। आप चाहे शूज ले लीजिए या फिर मेकअप का सामान हो गया, कपड़े हो गए, सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और आप देख सकते हैं नई नई वैरायटी भी आई है। तो भैया, यहाँ पे क्या क्या नई नई वैरायटी आ गई है? अब देख लो, आपको देख लो डिजाइन सो लगे हुए हैं। और यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और इसके साथ ही लोग भी मौजूद हैं जो जानकारी देंगे इस बारे में, किस तरह से इस बार दिवाली मना रहे हैं। मैं तो इस बार बहुत अच्छी तरह से बहुत मिठाइयाँ खरीदा, शॉपिंग किया, जूते सैंडल सब चीज़। और मुझे इस बार बहुत खुशी हुई कि दिवाली हम मनाएंगे और पूरी फैमिली के साथ मनाएंगे। दो साल हमारा कोरोना काल था, तो उसके बाद हम दिवाली नहीं मना पाए थे, तो इस बार कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट है दिवाली मनाने की। हाँ, दो साल अभी कोरोना रहा जिसकी वजह से हम दिवाली नहीं मना पाए, इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हम लोग बहुत खुश हैं। हैप्पी दिवाली। आप भी बताइए दिवाली पर किस तरह से नया कुछ कर रहे हैं? बस मैम, बच्चों के साथ खरीदारी पहले से अच्छा है कि लॉकडाउन से, मतलब लॉकडाउन के समय तो बिल्कुल लगता ही नहीं था कि कोई भी त्यौहार कोई भी पर्व, लेकिन इस बार लग रहा है कि हाँ, मतलब मार्केटिंग से लेके सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अब पटाखे पर बैन हो गया है, तो पटाखे जलाएंगे या नहीं जलाएंगे? नहीं मैम, पटाखे नहीं, क्योंकि उससे बच्चों को भी, फैमिली को भी, हमको भी, सबको भी नुकसानदायक है जो नहीं। तो हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, पटाखे पर बैन चल रहा है, तो पटाखे के बारे में क्या कहेंगे, जलाने कि नहीं? फिर भी पटाखे तो मिल ही रहे हैं, लोग जला ही रहे, मिलेगा ही कहीं ना कहीं से, तो लोग व्यवस्था करके बच्चों को खुश करने के लिए कुछ भी कर देता है। आप किस तरह से दिवाली मना रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि आप, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास दुकान जो है, यहाँ पे शूज की सारी वैरायटी दिख रही है, तो ग्राहक क्या ज़्यादा पसंद कर रहे हैं दिवाली? हर चीज़, जिनको इनका अपना जो चॉइस होता है वो हर चीज़ अपने अपने हिसाब से, कोई फ्लैट में सैंडल, कोई शूज, जो बूट्स जो आता है वो अपने अपने, जैसे जितने बच्चे लोग होते हैं वो ज़्यादा बूट्स पसंद करते हैं, जैसे गर्ल्स के हिसाब से बहुत अच्छा ये शूज पसंद करते हैं। आजकल ये सब बहुत अच्छे तरीके से इसका डिमांड है और हर कोई इसे चाहते हैं जी। तो जी मैम से कह रहे, पूछ लीजिए भाई, हमारे ग्राहक आए हैं, उनसे पूछ लीजिए उनको क्या चाहिए, वैरायटी में क्या पसंद कर रहे हैं मैम आपको? कौन सा दिखाऊं मैम? ये वाइट वाला भैया। दिवाली पर मैम कुछ बोलिए। जी मैम, ये दिवाली पे, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, अच्छे से मनानी चाहिए, दिए जलाने चाहिए और अच्छा अच्छा खाना बना के खाना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पटाखे के बारे में मैम क्या कहेंगे, बच्चों को पटाखे जलाने देंगे? मेरे साथ बच्ची भी मौजूद है, तो पटाखे जलाएंगे कि नहीं ये भी जानेंगे।
पटाखे बच्चों को जलाने देने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि पोल्यूशन केवल पटाखों की वजह से हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेली बेसिस पे होती हैं और उनकी वजह से मेनली पोल्यूशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि साल में एक बार पटाखे जलाने से ही सारा पोल्यूशन हो जाएगा। बैन भी लगा रखा है कि जुर्माना लगेगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, कई लोग नहीं भी जलाएंगे, कई लोग जलाएंगे, उसके बावजूद भी बैन लगे चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि बैन भी लगेगा तो भी पटाखे जलाएंगे, क्योंकि त्यौहार जो है वो पटाखों से ही रौनक होने वाला है। तो कोरोना के कारण कई प्रभाव भी देखने को मिल रहे थे, व्यापार नहीं चल रहा था और मंदी जैसे हालात हो गए थे, तो अभी कैसा चल रहा है? अभी मैम बहुत अच्छा है, दो साल के बाद जो पिछले लॉकडाउन पिछले साल भी दिवाली थी तो इतना काम अच्छा नहीं उठा था, लेकिन इस बार है, अच्छा है, भीड़ है मार्केट में और अच्छा काम है पहले से। और ग्राहक किस तरह की वैरायटी पसंद कर रहे हैं? ग्राहक यही है, क्वालिटी देखते हैं, चीज़ें अच्छी अच्छी आती हैं तो उनको मतलब फोकस करते हैं क्वालिटी क्या, क्वालिटी मिलती है कहीं भी हो तो कस्टमर वहीं जाता है, तो कस्टमर है हमारे, रिपीट कस्टमर आते हैं। तो आप देख सकते हैं बाजारों में किस तरह से रौनक लगी हुई है, मेरे आसपास देख लीजिए, लोग खचाखच मार्केट में भरे हुए हैं और यहाँ तक कि खरीदारी जो करने आए हैं लोग सामान ही खरीद रहे हैं और अपने घर को सजाने में लगातार जुटे हुए। आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से फूल, यहाँ पर प्यारे प्यारे फूल दिए गए हैं जो दीपावली पर आप अपने घरों में सजा सकते हैं, और सभी कलर के यहाँ पे फूल नजर आएंगे आपको, व्हाइट ले लीजिए, पर्पल ले लीजिए और कई तरह के फूल यहाँ पर नजर आने वाले हैं। तो आप इस बार दिवाली किस तरह से मना रहे हैं? बहुत अच्छे से। घर में क्या क्या नए आइटम लगाने वाले हैं? अलमारी लाए हैं हम और शॉपिंग करी है जी। और बच्चों के लिए कपड़े लाए, पटाखे लाए। और मार्केट में अभी तक आपने क्या क्या शॉपिंग कर ली? बहुत शॉपिंग की है। आप भी मार्केट घूमने आइए, आपने क्या क्या शॉपिंग कर लिया? जींस टॉप लिए और सरारा लिया है और कुछ नहीं दीदी। महिला यहाँ पर गुस्सा भी हो रही है, कह रही है भीड़ लगी है, क्यों परेशान कर रही है? आप बाजारों में देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ नजर आ रही है और आसपास यहाँ पे पुरुष महिला सभी है, इसके साथ ही बच्चे भी नजर आ रहे हैं और दीपावली को बहुत अच्छे से मनाने की कोशिश है। चलिए हम आगे मिले चलते। कोई भी त्यौहार हो मिठाई के बिना अधूरा ही रहता है, इसलिए हम पहुंच चुके हैं बीकानेर। जी हाँ, यहाँ पर क्या दिवाली पर स्पेशल होने वाला है, क्या मिठाई स्पेशल है और क्या ग्राहक ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखिए रौनक कितनी है और दुकान में इतनी ज्यादा भीड़ है कि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है, और इसी के साथ ही हमारा स्टाफ भी मौजूद है यहाँ पर। तो सर, मिठाई यहाँ पर दीपावली पर क्या स्पेशल है और ग्राहक क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं? वेल मैम, इस बार जो हमने फर्स्ट क्लास लोगों ने एंजॉय नहीं किया दो साल कोरोना के उसमें, तो इस बार जो है लोगों की काफ़ी रौनक दिख रही है मार्केट में। हमारा 3 दिन पहले से बहुत ऐसा लग रहा है कि दिवाली आ जाए, इतना लोग सुबह से स्टार्ट 9 बजे जैसे खुला तो लोग जो है मिठाई के कोई 100 डब्बे कोई 500 डब्बे खरीदारी करते जा रहे कंटिन्यू। हमने भी हर वरायटी रखी है, पिस्तालोन से लेके काजू बर्फी, चॉकलेट बर्फी, हर प्रकार की हमारे पास बादाम बर्फी, हमने भी हर प्रकार की बर्फियाँ मौजूद हैं। हमारे पास गिफ्ट हैम्पर है, ड्राई फ्रूट है, हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। हाँ जी, ग्राहक जो है वो कौन सी मिठाई ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा हमारी बिक्री काजू कतरी और बादाम बर्फी और गिफ्ट हैम्पर, जो हमारे गिफ्ट हैम्पर है, और ड्राई फ्रूट। अभी तक अगर बात कर ली जाए तो कितने ग्राहक आ चुके होंगे आपके अंदाजे से? अभी तो आई थिंक मिलियन, बिकॉज सिंस मॉर्निंग टू टिल आई थिंक मोर देन 20,000। तो यहाँ पर ग्राहकों की जो भीड़ है वो लगातार बनी हुई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगातार बनी हुई है, और इसके साथ ही यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं और युवा लोग भी मौजूद हैं, और गिफ्ट रैपर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितने स्पेशल तौर पर सजाया गया है गिफ्ट को। सजावट देख लीजिए आप किस तरीके से सजाई गई है, और इसके साथ ही यहाँ पर हर तरह की मिठाई उपलब्ध है। तो गिफ्ट आपने देख लिए, मिठाइयाँ आपने देख ली कि किस तरह से रौनक लगी हुई है दीपावली की, और इसके साथ ही बाजार में क्या क्या चल रहा है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चलिए फिर से बाजार का रुख करते हैं और वहाँ पर अब क्या खास है वो भी आपको दिखाते हैं। तो बाजारों की रौनक में मिट्टी के दिए कितने बिक रहे हैं वो भी हम जान लेते हैं कि मिट्टी के दियों को कितना पूछा जा रहा है, क्योंकि रंग बिरंगे आइटम जो है वो बाजारों में लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो आप रेड़े पे मिट्टी के दिए बेच रहे हैं, बिक पा रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं? जब से चाइना का माल आया है जब से तो हल्का बिक रहा है, अब ये है जब जैसे लाए हैं तो बेचना ही पड़ेगा,
अब ये जब से माल हमने लगाया है मैं टीका कम बिक रहा है, चाइना माल ज़्यादा बिक रहा है। कितना तक मुनाफा हो पा रहा है या नुकसान ही हो रहा है? नुकसान क्या, 200-400 रुपये हो जाता है फायदा, हाँ रोज का। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जो खरीदने वाले हैं वो ये भी खरीद रहे हैं, चाइनीज माल भी खरीद रहे हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि लोग कुछ खरीद भी रहे हैं और चाइनीज माल भी खरीद रहे हैं। दीपावली का समय है, हमट्टा में मौजूद है, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह का व्यापार चल रहा है, क्योंकि 2 साल कोरोना के थे तब व्यापार नहीं चला, अब जिसके बाद लॉकडाउन के बाद से ही व्यापार जो है अब वो फिर से अपने चरम पर है और दीपावली का त्यौहार है, तो उसके बारे में व्यापारियों का क्या कुछ कहना है चलिए जानते हैं। तो व्यापार कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है, सही है, सही। दीपावली पर कितनी रौनक देखने को मिल रही है? ठीक है, 2 साल की अपेक्षा इस साल थोड़ी रौनक है, ऐसी बात नहीं, काम धंधे भी ठीक है चल रहे हैं। और कलरफुल जो दिवाली है वो किस तरह से यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रही है, क्या नए आइटम आए हैं? नए आइटम हमारे यहाँ लेडीज चाहत लेडीज वेयर के नाम से शॉप है, ये सूट वगैरह मिलते हैं कम रेंजों पे, सरप्लस की कुर्तियाँ वगैरह एक्सपोर्ट वाले, एक्सपोर्ट सरप्लस की कुर्तियाँ वगैरह हैं 350 में मात्र, आभासा सृष्टि उषा वगैरह का सारे कंपनी की कुर्तियाँ। तो अट्टा में कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जहाँ पर भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जरा रौनक देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। और जैसा हमने बाहर आपको दिखाया था किस तरह से रौनक थी, लेकिन इस दुकान में देखने को मिल रहा है कि रौनक नहीं है। वहाँ पर हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, तो इस बार रौनक क्यों नहीं है आपके बगैर? मैम सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पिछले 2 साल कोरोना था, ठीक है, उसके बाद भी मैडम इस साल इतना बुरा हाल है दुकानदारों का, बहुत बुरा हाल है ना। मुझे लग रहा है कि या रोज़गार नहीं है या लोगों में पैसे नहीं है, इसी मारे शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। जो भी शॉपिंग हो रही है मैम पिछले 2 सालों के बाद, इस साल भी बिल्कुल ही डाउन है, काफ़ी डाउन है। अब इसमें सरकार की गलती के हैं या हमारी कोई गलती नहीं, हमारे पास पूरा स्टॉक है जो हम दिवाली के लिए तैयारी करते हैं, सब कुछ है हमारे पास, कुर्ता पैजामा कोट पैंट शेरवानी मेंस वियर A to Z सब कुछ हमारे पास है, पर बाकी काम नहीं है। आप खुद देख सकती है इतनी बड़ी शॉप है मेरी मैम, काफ़ी कम आ रहे हैं, ना के बराबर ही हैं, आप खुद देख विजुअली देख सकती है कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा किस लिए, अपने रोज़गार के लिए, उसके बाद भी काम नहीं है मैम। सरकार ने अब पटाखों पर भी बैन लगा दिया है, तो जिस तरह से हम बाहर भी बात कर चुके हैं कि पटाखों पर बैन लगाने के बाद भी लोग पटाखे जलाएंगे, एक तो आप कह रहे हैं रोज़गार नहीं है, उसके बाद पटाखों पर भी बैन लग रहा है, प्रदूषण होता है कहते हैं पटाखे से, तो इस पर आप क्या टिप्पणी? मैम एक बात बताइए, ठीक है प्रदूषण होता था पर उसमें कई हज़ार लोगों को कारोबार भी मिलता था, ठीक है, साल में सिर्फ एक बार दिवाली आती है जो घर में बच्चे भी होते हैं और उससे बड़े भी होते हैं, हर कोई चाहता है अपने घर के आगे दिवाली मनाया जाए और खुशियों का त्यौहार है ये, अगर आप इसे बैन कर देंगे फिर दिवाली का महत्व भी क्या रह जाएगा। तो चलिए चलते हैं बाजारों का हाल जानने के लिए कि बाजार में क्या चल रहा है और क्या नई आइटमें आई है दिवाली पर। हम आपको पूरी रोशनी दिखाने वाले हैं कि इस दिवाली पर क्या स्पेशल होने वाला है, तो चलिए। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ साड़ियों की दुकान पर और यहाँ पर भी काफ़ी रौनक देखने को मिल रही थी और अभी भी देख सकते हैं कि रंग बिरंगी जो साड़ियाँ हैं दीपावली के लिए स्पेशल वो लाई गई हैं और लोग क्या क्या पसंद कर रहे हैं वो हम इन्हीं से जानते हैं। क्या क्या मटेरियल नया है इस दीपावली पर? वही चल रहा है, कॉटन मसलिन फ्रॉक हो गया। तो लोग कौन से कलर ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? पिंक हो गया, सब तरह का मस्टर्ड पिंक जो भी कलर है सब पसंद कर रहे हैं। तो महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पर, भीड़ भी देखने को मिल रही है? महिलाएं तो आ ही रहे हैं, हाँ भीड़ भाड़ तो होगा ही। तो यहाँ पर भीड़ भी देखने को मिल रही है और कई यहाँ पर लड़कियाँ भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। तो मैम क्या स्पेशल ले रहे हैं इस दिवाली पर? साड़ी। कौन सी साड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है आपको? साड़ी यहाँ से न्यू तो ऑनलाइन मंगाई थी, ब्लाउज की फिटिंग करवाने आए हैं। साड़ी भी ले रहे हैं, ब्लाउज भी दोनों। अच्छा, तो दीपावली इस बार किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? अच्छे से, अलग तरीके से, कोरोना में जो नहीं किया वो इस बार कर रहे हो? हाँ, कोरोना से अब बेटर है, थोड़ा बेटर है। तो
अच्छा, दिए वगैरह खरीद लिए? अभी खरीदने बाकी? अभी नहीं खरीदे, अभी खरीदने बाकी हैं। और पटाखे जलाएंगे या नहीं जलाएंगे? नहीं। क्यों? प्रदूषण होगा ना इसलिए। अच्छा मैम, आप कुछ बोलिए दिवाली पर, क्या कहना चाहेंगे? दिवाली पे यही कि मुझे तो पटाखों से डर लगता है, मैं तो नहीं जलाती पटाखे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बाकी जलाने वाले तो जलाते ही हैं, छुपा के चाहे जैसे भी, तो वही बस। तो आप शांति से मिठाई खाकर ये दीपावली मनाएंगे? घर में और भी लोग हैं पटाखे चलाने वाले, बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है पटाखों में, लड़कियों को वैसे होता भी नहीं है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, हम दुकान में मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है। तो मैम, किस तरह की जो ग्राहक है चीज़ें पसंद कर रहे हैं, और दिवाली पर क्या नया है? दिवाली पर काफ़ी साल बाद अब दिवाली लोग मनाएंगे, और लग रहा है कि बहुत अच्छे से मनाएंगे। जैसे अब मार्केट में भीड़ भी है, इस तरीके से लग रहा है कि अच्छी होगी अब की बार दिवाली। और कुछ नए आइटम आए हैं महिलाओं के लिए? नहीं, नया तो नहीं है, लेडीज़ों के लिए तो हमेशा नया ही होता है। हाँ जी, तो देखा आपने किस तरह से लोग यहाँ पर नए नए आइटम इंजॉय कर रहे हैं और नए नए आइटम खरीद भी रहे हैं। सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रंगोली बनाई गई है। तो ये रंगोली किस तरह से बनाई गई है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये रंगोली किस तरह से बना रहे हैं? यहाँ पर सभी कलर यहाँ पे मौजूद है, चावल के बुरादा चावल। किस तरह से बनाते हैं वो छन्नी भी दिखा दीजिए, जिस तरह से आप बनाते हैं हर तरह की। तो इस तरह से इस पे कलर रख के रंगोली बनाई जा रही है, और लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस दीपावली पर, आरामदायक से, ताकि कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसे आराम से छन्नी के जरिए ही रंगोली बनाई जा रही है। और आप देख सकते हैं हर तरह के यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलेंगे, चाहे माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान हो, चाहे कमल का फूल हो, या फिर गौ माता हो, फूल हो, और हर तरह की यहाँ पर चरण भी देखने को मिलेंगे। माता के अलग अलग डिजाइन के चरण बनाए गए हैं माँ लक्ष्मी के, और इसके साथ ही रंगोली देख लीजिए आप, कितनी प्यारी बनाई गई है। और ये जो यहाँ पर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इन रंगोली को, और दीपावली के त्यौहार को और ज़्यादा कलरफुल करने में लगे हुए हैं। तो और दिवाली पर क्या क्या रौनक है मार्केट में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी के दिए रखे हुए हैं, इसके साथ ही साथ मोमबत्ती और चाइनीज आइटम भी रखे हुए हैं, माँ लक्ष्मी और कई मूर्तियाँ जो देवताओं की हैं वो भी रखी गई हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से माँ के चरण रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी के जो आइटम है वो रखे गए हैं, और इसके साथ ही साथ सारा यहाँ पे इंडियन ही है, चाइनीज का यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया, और मिट्टी के दिए हैं, और इसके साथ ही साथ देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ भी मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर मोमबत्तियाँ अलग अलग डिजाइन में रखी गई हैं, और यहाँ पर मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद है। तो यहाँ पर आपको दुकान पे क्या क्या बेच रहे हैं और ग्राहक क्या क्या पसंद कर रहे हैं? मैम, ग्राहक ज़्यादातर अपने मिट्टी के बने हुए दिए पसंद कर रहा है, और मोम का आइटम्स है, जैसे मोम के दिए हैं, हटरी है, लक्ष्मी गणेश है, ये सब आइटम हमेशा आदमी पसंद करता है और लेता है, क्योंकि इससे हमारी धार्मिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, धार्मिक अपना एक वो बोलते हैं क्या नाम है, व्यवहार जो बोलते हैं, विचार है, वो भी जुड़ा हुआ है इससे अपने, तो इसको हम कभी छोड़ नहीं सकते, चाहे कितना भी चाइनीज़ आइटम आ जाए, चाहे चाइनीज़ लाइटें आ जाएँ, चाहे कितना भी आइटम आ जाए, पर इसको हम कभी छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर और मोमबत्तियाँ जो अलग अलग डिज़ाइन में देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं, कौन सी मोमबत्ती पसंद कर रहे हैं, उठा के दिखा दीजिए एक बार। जैसे ये है आपका 12 पीस का मोम का दिया है, ये लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं अपने ऑफिस वगैरह में लगाने के लिए, घर को डेकोरेट करने के लिए, या गिफ्ट पैक देने के लिए, ये लोग ज़्यादातर सबसे पसंद करते हैं। हाँ, और ये इसके बारे में भी बता दीजिए। ये मोर है सर, ये अपना गणेश जी के भाई का जो कार्तिक है उनका वाहन है, तो उस तरीके से आदमी जो दिवाली पे सब भगवान को पूजता है, ऐसी बात नहीं है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये उनका वाहन है, तो उसके लिए हम रखते हैं। और बड़े दिए भी कुछ रखे गए हैं वो सामने, उनके बारे में भी कुछ बता दीजिए। वो बड़े दिए नहीं मैम, वो एक 11 दीपों की आरती है जिससे हम आरती करते हैं जी, बस इतना ही है। तो देखा यहाँ पर आपने बिना चाइनीज सामान इस्तेमाल किए हुए, बिना कोई चाइनीज का सामान है यहाँ पर, और सारे यहाँ पर इंडियन सामान इस्तेमाल किया है, और इतने रंग बिरंगे हैं कि हर किसी का घर जगमगा सकता है इस दीपावली के अवसर पर। आपको आइटम मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ, किस तरह से यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई हैं, और इसके साथ ही साथ घड़े रखे गए हैं, और दीपक जो है वो बहुत ही सुंदर सुंदर रखे गए हैं, मोमबत्तियों से आप अपना घर सजा सकते हैं, लड़ियों से आप अपना घर सजा सकते हैं, तो इस दीपावली को बहुत ही शानदार मनाएं। तो हमने
एरिया की आपको सारी रौनकें दिखा दी है, किस तरह से मार्केट सजी हुई है और किस तरह से यहाँ पर रौनक ही रौनक देखने को मिल रही है। हर तरफ सजावट का सामान है, सभी लोग मार्केट आ रहे हैं और घर को सजाने की जुद्दत में है जो वो लगे हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि घर को सुंदर से सुंदर बनाए और इसीलिए लगातार रंगोली हो या फिर सजावट का सामान हो, सभी सामान खरीद रहे हैं और काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद अब मार्केट में जो है वो लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके बाद से ही यहाँ पर रौनक लगी हुई है। दुकानदार भी खुश है, कई तो नाखुश भी नजर आ रहे हैं कि उनका सामान नहीं बिक रहा है, लेकिन कई ज्यादा दुकानदार जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और इस दीपावली को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो आपको भी न्यूज वर्ल्ड इंडिया की तरफ से हैप्पी दिवाली, आप भी दीपावली मनाइए खुशियों के साथ, रोशनी के साथ और पटाखे हो सके तो ना जलाइए।